आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सेल में फॉर्मेटिंग। अब फॉर्मेटिंग क्यों इम्पोर्टेंट, ध्यान रखिएगा, जब भी आप एक्सेल के अंदर कोई भी डेटा विजुलाइजेशन या रिपोर्ट या समरी तैयार करते हैं तो उसके दो तीन चरण होते हैं। सबसे पहला होता है एनालिसिस, आपने प्रॉब्लम को एनालाइज कर लिया, फिर उसकी फॉर्मेट तैयार किया आपने, फॉर्मेट के बिहाफ पे फिर आपने कैलकुलेशन किया, फिर उसका आपने इंटरफेस दिया या विजुलाइजेशन बोल सकते हैं इसको, विजुलाइजेशन। तो सो एनालिसिस तो मैनुअल होता है, ये तो आपके डिपेंड करता है आपकी नॉलेज और आपके सोचने के तरीका पे। फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है कि जैसा जैसा फॉर्मेट होगा उसी के बिहाफ से कैलकुलेशन होगा और उसी के बिहाफ से आपका इंटरफेस होगा। आप बोलोगे तो ये कैसे होता है, तो चलिए हम आपको कुछ फॉर्मेट दिखाते हैं। टैम्पलेट्स मेरे पास तो ऑलरेडी है बहुत सारे, लेकिन चलिए हम टैम्पलेट से ही आपके कुछ फॉर्मेट दिखाते हैं। रिकॉर्डिंग परमिशन दे देंगे, बस 2 मिनट दीजिए। वैसे मान लीजिए हमने इस कैलेंडर को ही, एक सीजनल कैलेंडर है उसी को डाउनलोड कर, जी सर। अब मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग की परमिशन अभी दे रहा हूँ। आप लोग जैसे कल स्टार्ट किए थे अल्ट प्लस आर, उस तरह से यूज करके आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। कमलेश जी मेरी आवाज आ रही है आपको? ठीक है कमलेश, आपके बैकग्राउंड शोर आ रहा था इसलिए मैं आपको म्यूट कर दिया। तो ये जो आपके सामने खुला हुआ है कमलेश जी, अल्ट प्लस आर प्रेस करके अपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्मेट देख रहे हैं इसमें देखिए यहां पर फॉर्मूला लगा हुआ है, लेकिन फॉर्मूला लगाने से पहले इसको एक कैलेंडर के फॉर्मेट में बनाया गया है पहले। कमलेश जी प्लीज वीडियो को ऑफ कर लें, अल्ट प्लस आर मैंने बोला था रिकॉर्ड स्टार्ट करने की। तो यहां पे आप देख रहे हैं कैलेंडर का, अब यहां पे मैं अपना ईयर चेंज करूंगा 2000, यहां पे ईयर चेंज करता हूं तो उस ईयर से आप उस ईयर के अकॉर्डिंग आपका आ जाए, और ऑफ संडे की जगह पे कुछ और करता हूं, मेरा ऑफ संडे नहीं, मान लीजिए कि मंडे है, वीक स्टार्ट संडे से या मंडे से, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा कैलेंडर पूरा चेंज हो जाएगा और एवरी मंथ यहाँ पे दिख रहा है। तो फॉर्मूला लगा, लेकिन फॉर्मेटिंग होने के बाद लगा, तो उसी तरह से आपके यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं, तो फॉर्मेट डिजाइन करना जरूरी है। आज की हमारी इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ फॉर्मेटिंग के बारे में ही। तो नॉर्मल फॉर्मेटिंग तो आप यहाँ से कलर बॉर्डर बॉर्डर से लगा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ट्रिक्स फॉर्मेट्स हैं जो कि आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे 10th लिखा, स्पेस मारा, तो 10th ऊपर नहीं गया। अगर वर्ड एमएस वर्ड में जाए तो 10th ऊपर चला जाता है ऑटोमेटिकली। यहाँ अगर आपको इसको सिलेक्ट करें और यहाँ फॉन्ट का आगे देखेंगे, ये आपका एरो निशान है, इस पर क्लिक करें और यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट आपको दिख रहा होगा, ओके कर दीजिए, ये आपको ऊपर चला। ऐसे आपको 10 डिग्री लिखनी है, स्मॉल में ओ लिखें, कैप स्मॉल में वो लिखें और इस ओ को आप यहाँ फॉन्ट पे जाएं और सुपर स्किप कर दें, ये आपका ऊपर चला जाए। लेकिन अगर 10 स्क्वायर करना आपको तो आप 102 लिखे और 2 को अगर आपने किया सुपर स्किप तो फिर ये वर्क नहीं करेगा। क्यों?
क्योंकि ये वर्क अभी दिख रहा है आपको, लेकिन जैसे एंटर मारोगे 102 हो जाएगा, क्योंकि ये सुपर स्किप या सब स्किप। सब स्किप किसके लिए होता है? नीचे के लिए होता है, जैसे H2O है। अब 2 को नीचे करना है, इसके लिए हम सब स्किप लगाएंगे। तो सिलेक्ट करता हूं सब स्किप। तो सुपर स्किप और जो सब स्किप होता है वो सिर्फ टेक्स्ट पे काम करता है, नंबर्स पे काम नहीं करता है। तो यहां पे अगर मैं इन्वर्टर कमा में 102 डालो और इस 2 के ऊपर सुपर स्किप करता हूं, ये आपका ऊपर चला जाए। तो सब स्किप एंड सुपर स्किप होता है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको म्यूट कर रखा है, आप लोगों को अगर आप लोगों को कुछ पूछना होगा तो अनम्यूट करके आप पूछ लीजिएगा। एक से बोल कीजिए। हेलो, तो अब हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर। जैसे कि मान लीजिए कोई डेटा है आपका, तो भी डेटा मान लीजिए सेल्स का डेटा हम यहाँ पर रखते हैं, और सेल्स डेटा में कहीं पे कुछ गलती होती है, तो आप प्रिंट आउट लेके जाते हैं तो आप पेन से क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। तो मुझे इसको गलत शो करना है कि गलत है, कैसे शो करें? तो इसका एक तरीका है कि आप यहाँ फॉर्मेट सेल पे जाएं और यहाँ पे एक होता है स्टिक थ्रू, उसको कर सकते हैं। लेकिन ये नंबर्स के लिए नहीं होता है, सेंटेंस के लिए होता है। जैसे कोई सेंटेंस आपने अगर कहीं से कॉपी किया, जैसे मान लीजिए मैंने किसी को नॉट एक्सेबल है ना, जैसे मैंने इसी को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने इसको पेस्ट किया, और पेस्ट में मैं यहाँ मान लीजिए मुझे इसको काटना है, इसको सिलेक्ट करके फॉर्मेट सेल में जाता हूँ और स्टिक थ्रू कर देता हूँ तो ये कट जाएगा। ये माफ कीजिए, हाइपरलिंक लगा हुआ था इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है सर, इसके लिए होता है। लेकिन ऐसे क्या करें आप? तो अगर आपके पास अगर पेंसिल का ऑप्शन होता तो आप क्या करते कि यहां पे आते और यहां से इस तरह से क्रॉस करते। ये तो मेरा जूम ऐप का टूल्स का इस्तेमाल से मैंने कर लिया, बट आपको अगर करना होगा तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे और चले जाएंगे फॉन्ट अलाइनमेंट या राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल के अंदर, और फॉर्मेट सेल में हमारे पास एक बॉर्डर होता है, यहां से हम यहां से कलर चूज करते हैं यहां से, और फिर यहां क्लिक करते हैं या इसे मोटा कर लेता हूं, यहां क्लिक करते हैं या इस पे क्लिक करते हैं। ओके, अब मैं F4, हमारा एक शॉर्टकट है F4 जो कि लास्ट एक्शन को रिपीट करता है, इसका यूज कर सकते हैं। टिक का निशान लगाना हो तो मैं फॉर्मेट सेल पे जाऊंगा और यहीं से मैं कलर चूज करता हूं और इस तरह के ले लूंगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो चीजें आप कर रहे हैं ये सिर्फ बीज बंदर की प्रिंटआउट्स के लिए, इसके बिहाव पे कोई कंडीशंस या कोई इस तरह का फॉर्मूला नहीं लगा सकते या फिल्टर वगैरह नहीं लगा सकते। आप चाहो कि इसके बिहाव से आप कोई फिल्टर लगा लें तो फिल्टर आप नहीं लगा सकते, क्योंकि फॉर्मूला कभी भी आपका आपका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कभी भी आपका फॉर्मेट को रीड नहीं करता है, आपकी जो फॉर्मेटिंग है उसको रीड नहीं करता। फॉर्मूला हमेशा डेटा को रीड करता है। तो यहाँ एक छोटी सी दिक्कत आपको आ गई, तो हमें कुछ ऐसा चाहिए जो कि मेरा फॉर्मूला भी रीड कर। ठीक है, कुछ ऐसा चाहिए कि मेरा फॉर्मूला भी रीड कर ले। तो उस केस में क्या करेंगे? तो यहां पे मैं टैब्स में पी को लिखूंगा और इस पी के ऊपर हमारे पास एक फॉन्ट होता है बाइंडिंग टू फॉन्ट, यहां बाइंडिंग टू फॉन्ट।
और फिर इसको नीचे अगर ड्रैग करेंगे आप यहाँ देखिए नीचे तक, और कैप्स में ओ लिखूंगा तो क्रॉस हो जाएगा। तो क्या हुआ आखिरी में है तो हमारा पी या ओ, लेकिन जब हमने फॉन्ट क्या करता है आपकी लिखावट को चेंज करता है तो उसने इस तरह के सिंबल में कर दिया। अब करके डेटाबेस पे कंडीशन या फॉर्मूला लगाना है तो P और O पे लगाऊंगा, क्योंकि एक्चुअल में है तो P या है तो O, दिख रहा है आपको इस तरह का सही का निशान और गलत का निशान। तो आकाश जी, अल्पना जी, कमलेश जी, कोई डाउट इसमें? आकाश जी को डाउट इसमें आपको? कह रहा था जो वाइल्ड का ऑप्शन आपने किया था वो उसके लिए एक बार फिर से ऑप्शन एक बार चेक करा दो सर। कौन सा ऑप्शन में जाकर जो सर वो ऑप्शन का नाम क्या था, वाइल्ड के आगे क्या लिखा था सर? बेडिंग टू वाइंडिंग टू, यहाँ देखिए ना। ओके सर, ठीक है, वाइंडिंग्स टू। और किसी को डाउट? नहीं नहीं जी नहीं, बस यही पूछना था। अब इसमें आगे अब बात होती है कि ये तो जो आपकी फॉन्ट है इस पार्ट ऑफ विंडो, कभी ऐसा हुआ कि आपका विंडो क्रैश हो गया हो या विंडो में आपका ए पार्ट ए फॉन्ट अवेलेबल ही नहीं, किसी तरीके से फॉन्ट आपके पास है ही नहीं, तो क्या करेंगे? तो उस केस में हमारे पास अगला तरीका ये रहेगा कि मैं यहाँ पे कैप्स में जे लिखूंगा और इस जे को अलाइनमेंट, हमारे पास एक अलाइनमेंट होता है जहां से हम अपने वर्ड के एंगल को चेंज कर सकते हैं, इसको मैंने -45 डिग्री के एंगल पे चेंज कर। अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये सिर्फ इसी चीज के लिए बना है? जी नहीं। अब चलिए आपको एक और तरीका हम आपको यहाँ दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे अटेंडेंस बनाना है एक टीम का, तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय कोड लेता हूँ नेम, और यहाँ पे हम डेट दे देते हैं। पर एक अटेंडेंस हम बना भी देते हैं, मैं यहाँ पे पूजा और यहाँ पे देता हूं मैं यही नाम लगा देता हूँ, क्या दिक्कत? और यहाँ पर पी दे देता हूँ और फिर इसको नीचे तक मैं ड्रैग कर, अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से चलिया। अब डबल क्लिक इसमें इसमें क्या है कि इसका हमारा डेट है, हमारा डेट का हमने कंट्रोल से हैश किया तो डेट डेट के फॉर्मेट में सही आ गया। अब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूं तो इतना ही रह गया। अब इसको प्रिंट करने के लिए एक पेज में प्रिंट करना मुश्किल है, अगर हम कंट्रोल पी करते हैं प्रिंट के लिए तो देखिए यहाँ पे सितंबर तक ही आ रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक काम करते हैं कि मैं इसकी जो ये है पोर्ट्रेट है उसको लैंडस्केप कर देता हूँ और इसकी मार्जिन को नॉर्मल की जगह पे नैरो कर देता हूँ। फिर भी आप देख रहे हैं 13 सितंबर तक ही आ रहा है। क्यों आ रहा है? इसका आने का कारण यही है क्योंकि हमारा काफी बड़ा कॉलन है, अब इसकी साइज छोटी की जा सकती है तो आएगा, लेकिन प्रॉब्लम है कि फिर रीडेबल नहीं होगा।
तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो डेटा है वो तो छोटा ही है, सिर्फ हमारा हेडिंग बड़ा है। तो फिर हमने हेडिंग को सिलेक्ट किया, आप यहाँ अलाइनमेंट में भी जा सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर आपके यहाँ ये देखिए ओरिएंटेशन होता है, इसको क्लिक करें और मैं इसको रोटेट टेक्स्ट अप कर देता हूँ, तो इस तरह से अप हो गया। फिर मैं पूरे सीट को सिलेक्ट किया, किसी भी कॉलम के बॉर्डर पे जाके डबल क्लिक, इस तरह का आइकन देखकर बन रहा है, इस तरह का बन गया, तो जस्ट इस पे आप डबल क्लिक कर दें, आपका छोटा हो जाएगा। अब देखिए मैं प्रिंट करूंगा तो मेरा पूरा डेटा एक पेज पे प्रिंट हो रहा है और रीडेबल भी है। तो इस तरह की चीजों के लिए और ऐसे एग्जाम्पल के लिए हम अलाइनमेंट का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? अब अलाइनमेंट के बाद आगे बढ़ते हैं। अलाइनमेंट के बाद आगे आपके पास रैप टेक्स्ट आता है, जैसे कि मैं नहीं, यहाँ पे सुजीत कुमार लिख दिया, सुजीत कुमार लिखते ही अगले टेक्स्ट में चला है। तो मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से रैप कर सकता हूँ, तो नीचे टूट जाए। देखिए रैप तो किया तो अपने हिसाब से टूटा, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने हिसाब से तोड़ू, तो यहाँ पे 1 2 3 और जहां से तोड़ना है वहां पे आप ऑल्ट एंटर प्रेस कर, तो नीचे डाउन में आ जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप ऑल्ट एंटर करते हैं तो आपकी रो बड़ा हो जाता है, जब आप इस पर डबल क्लिक करते हैं तो आपका कॉलम बड़ा हो जाता है। मैं चाहता हूं मैं कॉलम बड़ा करूं ना रो बड़ा करूं, मेरा जो टेक्स्ट है मेरे जो साइज है उसी साइज में एक्चुअली फिट हो जाए। तो मैं इसको राइट क्लिक करूंगा और फॉर्मेट सेल पे जाऊंगा और यहां आपको दिख रहा होगा श्रिंक टू फिट, इस श्रिंक टू फिट पे क्लिक करके ओके। अब जैसे मैं यहाँ पे कॉलम को बड़ा करूंगा ये हमारा बड़ा होगा, अब कॉलम छोटा करूंगा ये हमारा छोटा हो जाएगा। ठीक है सर, ये हमारा अलाइनमेंट। अंबिका जी बड़े जल्दी ज्वाइन कर लिया आपने, 45 मिनट क्लास में 25 मिनट आप लेट है। तो यहाँ पे हम कर दिए, उसके बाद क्या बात करते हैं रैप टेक्स्ट की। मैंने सिलेक्ट किया यहाँ से रैप कर दिया तो पूरा एक सेल हो गया। तो जब हमें कभी कभी क्या होता है हेडिंग वगैरह लिखना होता है या फिर कई सारे सेल्स का हेडिंग एक ही होता है तो उसमें मर्ज करते हैं। क्योंकि मर्ज के नीचे आप देखेंगे आपके सामने एक क्रॉस, मर्ज क्रॉस भी होता है। मर्ज क्लॉज क्या करता है कि एक एक रो वाइज मर्ज करता है, ये बहुत कम लोगों को पता होती है मर्ज क्लॉज। उसके बाद मर्ज क्लॉज के बाद हम बात करते हैं नंबर फॉर्मेटिंग। देखिए नंबर फॉर्मेटिंग थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे चल के आपको ये आपके ऑफिशियल लाइफ में काफी ज्यादा और वीवी वगैरह में इसका यूज होता है। जनरल मतलब जैसा लिखोगे वैसा आएगा, नंबर मतलब कि नंबर की फॉर्मेट होगी, डेसिमल प्लेस इन थाउजेंड सेपरेटर, और नेगेटिव नंबर्स पे क्या होना चाहिए। सेम करेंसी में आप करेंसी का सिंबल या करेंसी कोड इस्तेमाल कर सकते हैं और अकाउंटिंग में सिर्फ करेंसी का कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। पर करेंसी का एक और यूज हम करते हैं, जैसे कि मैं अगर कोई डेटा लू यहाँ पे और इस डेटा को अगर मैं पूरे एरिया में सिलेक्ट कर देता हूँ, अब इस डेटा में कहीं कहीं पे जीरो है और मुझे इस जीरो को एक अलग शो करना है ताकि इजिली देख सकूं। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल में गए और यहाँ अकाउंटिंग में हमने यहाँ पे नन कर दिया। डेसिमल प्लेसेस हटाना चाहते हो तो हटा दीजिए एंड ओके। अब देखिए ये आपका जो जीरो है डैश हो गया, तो सिर्फ इसकी विजुअल डैश हुआ है, ओरिजिनल में देखिए यहाँ पे जीरो ही है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू को फॉर्मेटिंग कभी भी चेंज नहीं करती है, आपकी जो ओरिजिनल वैल्यू है उसको फॉर्मेटिंग कभी भी चेंज नहीं करेगी। तो इस केस में इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। उसके बाद नंबर फॉर्मेट में हम आगे बढ़े तो हमारे पास डेट है, डेट जैसा फॉर्मेट होता है, यहाँ पर कंट्री के हिसाब से भी डेट चूज कर सकते हो। टाइम है हमारा, तो टाइम फॉर्मेट में जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई टाइम डाला 45 घंटे 20 मिनट में कोई टाइम डालता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं हमारा टाइम अगर नॉर्मल से जनरल में चला गया, किसी ने यहाँ जनरल सिलेक्ट कर दिया,
वापस अगर टाइम जाते हो और टाइम में अगर आप सिलेक्ट करते हो, जैसे आपने सिलेक्ट कर लिया इसको, तो आपको 21 घंटा दिखा रहा है ऊपर, यहाँ देखिए 21 घंटा दिखा रहा है, क्योंकि 24 घंटे से ऊपर जाएगा ही नहीं है। 24 घंटे से ऊपर जाए उसके लिए आपको होगा कि यहाँ नीचे 37:30:55, 37:30:55 का वैल्यू यहाँ पे सर। राइट सर, यहाँ इस्तेमाल कर सकते। ये नहीं हमारे बेट के, ऐसे आपका फ्रैक्शन है जैसे 2.5 कर दिया, तो यहाँ अगर आप फॉर्मेट पे जाते हैं फ्रैक्शन को सिलेक्ट करते हैं आप लेवल, तो इस तरह देखिए। अब अगला हमारा कस्टम फॉर्मेटिंग है। देखिए कस्टम फॉर्मेटिंग थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। ऐसे भी आज हमारे क्लास में दो लोग नहीं है जिनका ये बैच है, तो आज हम यहीं पे रोक देते हैं। कल हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कस्टम फॉर्मेटिंग, और कल की क्लास थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, सो प्लीज क्लास को आप अवॉइड मत कीजिएगा, आप ज्वाइन जरूर कीजिएगा। आज की जो रिकॉर्डिंग है हम आपको भेज देते हैं, जिन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया उनके लिए।